दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करते हैं, ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो के थंबनेल के ऊपर आप देखे होंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक से मनी ट्रांसफर करना सीखे 2 मिनट में। दोस्तों इस वीडियो पर आप सही आए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना ये चाहता हूँ कि आप इससे पहले आप एयरटेल पेमेंट बैंक चलाते हैं तो आपको पता होगा कि मैं मनी ट्रांसफ़र कर लेता हूं, तो आपको ये वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप पहले से सीखे होंगे कि मेरे को ये पता है, तो आप इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये दोस्तों नए एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बता रहा हूँ, जो आप नए जो KYC किए हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक से मनी ट्रांसफ़र करना है, किसी भी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको कैसे करना है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना ये चाहता हूँ, आप इस चैनल पर नए आए हो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, यहाँ पे रेड कलर का जो बटन मिलेगा सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन छोटा सा घंटी दबा दीजिए और यहाँ ऑल को पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी मेरा वीडियो आने वाला रहेगा सबसे पहले आपको वीडियो पहुँच जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आप ही को फायदा है, जिससे जो भी मेरा वीडियो आने वाला रहेगा ऑफर के बारे में आया नए नए वीडियो आते रहेगा, तो सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जिस टॉपिक पर हम बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है एयरटेल पेमेंट बैंक में। एयरटेल पेमेंट बैंक में जाने के बाद दोस्तों आपको इस टाइप से इंटरफेस आएगा दोस्तों। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्रॉल ऑन करना है। अगर आप वो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसको मोर पर क्लिक करके ऑप्शन ला देना है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा ऑप्शन आ गया है, सेंड मनी का ऑप्शन आ गया है। देखिए दोस्तों तो सेंड मनी ऑप्शन पर क्लिक करिए। सेंड मनी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉप का, और एक मिलेगा पर्सन का, और एक बैंक का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, बैंक वाले ऑप्शन पर जाना है। दोस्तों बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अगर दोस्तों आप इसे बैंक से पैसा अगर भेजते हैं तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। 100 रुपये में आपको 1 रुपये देना पड़ेगा, 1000 रुपये में आपको दोस्तों 10 रुपये देना पड़ेगा, 1% चार्ज लगेगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी बैंक में तो 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप QR कोड के द्वारा स्कैन करके दोस्तों अगर पैसा अगर भेजते हैं किसी भी कस्टमर को तो दोस्तों आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक उसका मोबाइल नंबर है, उसका लिंक है, तो उससे अगर भेजते हैं तो अभी भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप एयरटेल पेमेंट बैंक से उसके बैंक में अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो दोस्तों आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, बैंक नाम डालना है, फिर से बैंक नंबर डालना है दोस्तों, फिर से आप डालना है फ़ोन नंबर उसका, फिर कमेंट में आपको मैसेज में कुछ लिख देना है। तो दोस्तों मैं अपना सब चीज़ में अपना डिटेल फिल कर रहा हूँ, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए मैं अपना सब चीज़ में अपना डिटेल फिल कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं अपना प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, प्रोसीड के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों ये देखिए फ़ोन नंबर मांग दिया है कि दोस्तों ये फ़ोन नंबर मेरा गलती है, इसीलिए अभी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं अपना फ़ोन नंबर डिटेल सही में डाल रहा हूँ। दोस्तों देखिए मैं अपना फ़ोन नंबर में अपना सही डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें दोस्तों, आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। दोस्तों माना कि मैं अपना 5000 डाल देता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर टिक करना है, एरो वाले ऑप्शन पर टिक करना है, राइट वाले टिक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके आ गया है 50 रुपये चार्ज आ गया है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्योंकि दोस्तों मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है इसीलिए मैंने बता रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको 50 रुपये चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। दोस्तों देख लिए हैं कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से बैंक में पैसा भेजते हैं तो आपको 1% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों सीख लें, इसी के ऊपर अगर आपका बैलेंस होगा तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करके आपको सक्सेसफुल कुछ ही सेकेंड में हो जाएगा, उसके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जितना भी ग्रुप होगा दोस्तों सबको शेयर कर देना, जिससे उसको भी पता चल सके कि मुझे मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है एयरटेल पेमेंट बैंक से। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को विराम देते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।